नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी इस समय दोस्तों बता दें, जो पैन कार्ड अगर आप न्यू अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आपको जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, आप 100% आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड में करेक्शन हो, किसी भी प्रकार का न्यू पैन कार्ड, या आप किसी भी कैंडिडेट का बनवाना चाहते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर का बनाना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस पेज का ऐसे डायरेक्टली लिंक दे देंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज NHGL.com इस पेज का लिंक दे देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एप्लीकेंट टाइप। आपको पहले एप्लीकेंट टाइप में चूज करना है कि आप 49A फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं उनके लिए है, और अगर यह फॉरेन सिटीजन से बिलोंग करते हैं 49A डबल फिल किया जाता है, और चेंज हो या तो करेक्शन हो, या आप रीप्रिंट पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं नो चेंज इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड डाटा, तो आप इससे मंगा सकते हैं। तो आपको यहां पर हम बता दें न्यू पैन कार्ड के बारे में बताएंगे। अगर न्यू पैन कार्ड किसी भी कैंडिडेट का इंडिया में जो रहने वाले कैंडिडेट का बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से 49A फिल किया जाता है। यहां पर आपको आना है, इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी फर्म या ट्रस्ट के अकॉर्डिंग पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फर्म या लिमिटेड लेबोरेटरी या पार्टनरशिप ट्रस्ट, और यहाँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, चूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करिएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन देना है, टाइटल जो भी अब कैंडिडेट का टाइटल होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, अगर आप जो भी होगा वो आपको मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम आपको मेंशन कर देना है। एक चीज़ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के अगर केवल सिंगल नाम है, तो यहाँ पर केवल एक लास्ट नेम में मेंशन किया जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप मिडिल नेम आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। और अगर किसी व्यक्ति का दो ही नाम है, जैसे कि राम सिंह, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे सिंह लास्ट नेम में लिखेंगे और राम फर्स्ट नेम में लिखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का राम है तो आप राम इसमें डालेंगे, और ये फर्स्ट और मिडिल आप इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है, या आप कंप्यूटर लैपटॉप या कंप्यूटर से टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेंशन करनी है, और यहाँ पर एक वैलिड मोबाइल नंबर 10 डिजिट का फिल करेंगे। जो मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो आधार कार्ड से अटैच हो या ना अटैच हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि जो भी मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे, कोरियर के अकॉर्डिंग जब आपका पैन कार्ड भेजा जाता है फिजिकल, वो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज की जाती है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लिएगा, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट रोबोट पे जैसे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर कैप्चर शो होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटरसाइकिल पूछा जा रहा है, कि मोटरसाइकिल जहाँ पर आपका शो हो रहा है उसको आपको ट्रिक मार करना। चलिए हमारा जहाँ पे मोटरसाइकिल शो हो रहा है उसको ट्रिक मार करेंगे, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर गलत हो जाता है तो अगेन आपका मोटरसाइकिल पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ आपको मोटरसाइकिल्स आपको दिख रही है वो आपको क्या करना है, चेक मार्क कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल पे चेक मार्क करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अगर आपका जो भी वेरीफाई कोड सही होगा तो आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट होके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस टोकन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यह बताया गया है ये टोकन नंबर 30 दिन के लिए वैलिड होता है। इस टोकन नंबर के जरिए आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तुरंत अप्लाई करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद पैन अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम बता दें, पैन कार्ड आप बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हाउ टू डू यू वांट टू सबमिट पैन कार्ड अप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से पैन कार्ड के लिए देना चाहते हैं, यहाँ पर बताया गया है सबमिट डिजिटल थ्रू KYC एंड ई साइन पेपरलेस। इसमें आपको बताया जाता है आधार कार्ड में जो भी डिटेल है ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा, यहाँ तक कि फ़ोटो भी आपका फैच होके चला आता है जो आधार कार्ड में लगा होता है। आप अगर पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अगर दूसरा वाले ऑप्शन में चूज करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट स्कैन थ्रू
ई साइनिंग, आपको यहाँ बताया गया है सबमिट स्कैन थ्रू ई साइनिंग का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे और यहाँ फ़ोटो और साइन भी अपलोड की जाएगी। यहाँ पर अगर फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकल, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ तीसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो 49A फॉर्म पहले फिल होगा, उसके बाद A4 साइज पे आपको प्रिंट कर लेना है, दो आपको फ़ोटो चिपकाना है, अपनी साइंस कर लेनी है, उसके बाद आपको कोरियर करना पड़ेगा NHDL के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा तीसरा वाला लंबा प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, आपको करना क्या है तीसरे वाले पॉइंट को पे नहीं सिलेक्ट करना है, दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं जिससे कि हम डॉक्यूमेंट अपने मनपसंद चाहे फ़ोटो लगा सकते हैं, मनपसंद चाहे साइन आप लगा सकते हैं, उर्दू हिंदी इंग्लिश। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं बहुत सारे कि सोचते हैं कि इंग्लिश में साइन करें उर्दू में साइन करें, ऐसा दोस्तों नहीं है, आपको जिस तरीके से भी साइन करना है इंग्लिश उर्दू फारसी जो भी है वो आप साइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रॉल डाउन करेंगे वेदर फिजिकल पैन कार्ड इन रिक्वायर, आप फीस किस तरीके का मेट करना चाहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले पॉइंट पे तो ऐसी स्थिति में जो आपका पैन कार्ड है वो आपको ईमेल आईडी पर भी रिसीव होगा और यहाँ पर कोरियर भी की जाती है। अगर नो फीस अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ PDF मिल जाती है, कोरियर नहीं करने के लिए कोरियर से आपका पैन कार्ड नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर पहले वाले पॉइंट पे क्लिक रहने देना है, फिर उसके बाद आधार कार्ड का जो भी लास्ट का 4 डिजिट होगा आपको वहाँ पे मेंशन कर लेना है और आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा कंप्लीट यहाँ फिल कर लेना है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे शो होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जेंडर का, जेंडर में जो भी आपका श्री श्रीमती जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर जेंडर में वहाँ पे अगर टाइटल में अगर गलत चूज करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा। तो देखिए मैंने सही चूज किया है, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे प्रक्रिया नहीं हुई। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ यू एवरी बीन नो यू बाय अदर नेम, क्या आपको अदर नाम से जाना जाता है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डिटेल ऑफ पेरेंट्स में जाना है, आपको पूछा जा रहा है पेरेंट्स में आप पिता का नाम देना चाहते हैं या माता का, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, माता का नाम नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स का लास्ट नेम फिल कर लेना है, फिर उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम फिल कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम। अगर किसी कैंडिडेट का फर्स्ट केवल सिंगल नाम है तो यहाँ पे लास्ट नेम में मेंशन करिएगा और यहाँ पे फर्स्ट में आप ब्लैंक छोड़ देंगे और लास्ट मिडिल में भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर किसी कैंडिडेट का केवल फर्स्ट और मिडिल नेम फर्स्ट और लास्ट नेम है तो ऐसी स्थिति में आपको लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम मेंशन करना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे छोड़ देंगे, या ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट नेम है आपको छोड़ देना है। और स्क्रॉल डाउन करिएगा दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लास्ट नेम मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम मेंशन कर सकते हैं और मदर्स नेम मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पैन कार्ड पे आप प्रिंट क्या चाहते हैं, फादर्स नेम या मदर्स नेम, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग्स चूज कर लेंगे। तो हम बता दें जब भी पैन कार्ड पे होता है फादर्स नेम प्रिंट होके आता है तो आप पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है अब सोर्स ऑफ इनकम, इनकम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी इनकम किस तरीके से होती है, आप यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है चूज कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम नहीं है तो नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन में आपको एड्रेस कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत केयरफुली फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि एड्रेस कम्युनिकेशन में जो भी एड्रेस फिल करेंगे उसी एड्रेस पे आपका बाय पोस्ट जो भी पैन कार्ड है रिसीव कराया जाता है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, रेसिडेंट ऑफिस, तो यहाँ पे रेसिडेंस पे अगर क्लिक करेंगे दोस्तों इसमें, तो ऐसी स्थिति में जहाँ जो भी आधार कार्ड में डिटेल होगा वो डिटेल आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी, और अगर ऑफिस पे फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे साथ में ऑफिस का भी एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रेसिडेंट के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, आधार कार्ड जब अपलोड कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका डाटा आधार कार्ड से उठा लेता है। अगर ऑफिस एड्रेस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट और ऑफिस दोनों मेंशन करना पड़ेगा और ऑफिस एड्रेस का एक प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मेरे पास ऑफिस का एड्रेस नहीं है तो रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे अगर आप दोस्तों कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि ऑफिस से एड्रेस पे मंगाना है, तो उसके लिए आप एक पैन कार्ड फिल करके बताइए, तो मैं उसके लिए भी आपको पैन कार्ड बता दूंगा। तो अभी हम यहाँ पे जो भी आपका फ्लैट या रूम या डोर या ब्लॉक नंबर है आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 00 भी मेंशन कर सकते हैं। नेप आप परमिस या बिल्डिंग विलेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रोड स्ट्रीट एंड पोस्ट ऑफिस यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें पोस्ट ऑफिस मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एरिया लोकेलिटी तुलका या सब डिवीजन आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टाउन एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट, टाउन सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट में तीनों में से एक आपको मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लेंगे इंडिया, यहाँ पे चलिए इंडिया चूज कर लेते हैं। इंडिया जैसे चूज करेंगे फिर उसके बाद इंडिया में जितने भी स्टेट होते हैं सारे स्टेट यहाँ पे आ जाएंगे, और आपको जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे ही डिटेल आप फिल करिएगा उसके बाद स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेंगे, नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर आप इंडिया 91 प्लस एक कोड यहाँ पर आपका ऊपर शो होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एओ कोड ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फैच होके चला आता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे एओ कोड ऑटोमेटिकली आपका देख सकते हैं फिल होके आ जाता है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आपका एओ कोड नहीं में शो हो रहा है तो आप यहाँ पे अलग से स्टेट आप चूज़ कर सकते हैं, फिर सिटी चूज कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली एरिया का नाम आप मेंशन करेंगे और फेस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एओ कोड आ जाएगा। तो हमारा एओ कोड आ चुका है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ में आपको अपनी पहचान देने के लिए क्या प्रूफ लगाना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड में सब में सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर DOB प्रूफ में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिंसवेल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ पर आपको एड्रेस लिख लेना। चलिए हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर बताया गया है जो फोटो अपलोड होगा 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड होगा, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है उस फोटो को पिक कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से साइन पे क्लिक करेंगे प्लस पे, उसके बाद आपका यहाँ पे साइन पे ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी साइन भी अपलोडेड हो जाएगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फोटोज और साइन होगा जो 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पर बताया गया जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हमने PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपना आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर लिया है और अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 डिजिट आधार कार्ड के यहाँ पे फिल कर लेना है, और आपको यहाँ पे जैसे आधार कार्ड के 8 डिजिट फिल करिएगा सारे डिटेल को आप यहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डिटेल में अभी आप कुछ भी गलती करते हैं तो अगर आप वो नेट पे चढ़ जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ पे अपने डिटेल्स को मिला लीजिएगा, सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है प्रोसीड पे क्लिक करना है, अगर आपको लगता है कुछ गलत हो गया है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, मेरा सब कुछ सही है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट पूछा जा रहा है, आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे बीच वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रो पेटीएम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पेटीएम का जो भी चार्जेज है GST के साथ यहाँ पे 106.90 रुपये आपके काटे जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट कंफर्म का पेज आएगा, पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक स्कैनर शो होता है, और आप स्कैनर के साथ साथ यहाँ पे भीम UPI देख सकते हैं, भीम UPI है, नेट बैंकिंग है, प्रीपेड एंड डेबिट कार्ड, जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर होता है दोस्तों स्कैन करके अपना पेमेंट को कंफर्म करें, तो यहाँ पे हम स्कैन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर जैसे ही स्कैन करेंगे दोस्तों हमारा स्कैनर से स्कैन हो जाएगा और हमारा यहाँ पर 106.90 रुपये अकाउंट से कट जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देंगे तो आपका ये होगा कि आप जो है आसानी से यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का जैसे पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे बताया गया है आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अगर रिफ्रेश कर देंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका पेमेंट है
लगभग आपको 15 दिन के लिए होल्ड हो जाता है। आपका जब 15 दिन कंप्लीट होगा, 15 दिन या 1 हफ्ते या 3 दिन या 2 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है। आपको रिफ्रेश नहीं करना है, 49A आप फॉर्म फिल कर चुके हैं और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, OTP जनरेट पे क्लिक करिएगा। OTP जनरेट पे क्लिक करेंगे, जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे OTP आप डाल करके। दोस्तों एक चीज़ जरूर बता दें, आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू विद ई साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन आपको यहाँ पर न्यू पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आपको आधार नंबर डाल लेना है और उसके बाद अगेन OTP सेंड करवाना है। सेंड जैसे ही करेंगे, उसके बाद जो भी आधार कार्ड से नंबर अगेन लिंक है उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके आगे सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर स्लो है, वेट कर लेते हैं। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर OTP आपकी सही होती है तो आपको यहाँ पर आपकी जो फॉर्म होते हैं 49A आपका शो हो जाएगा। आपको इसको ओपन करने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करना है, जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है DDMM4Y के अकॉर्डिंग फिल होगा। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो आपको 01/01/2001 फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, क्योंकि जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे PDF 49A शो होगा। आपको इस PDF को कहीं भी कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने जो ई साइनिंग के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सेंड किया है। तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी कभी ये होता है आपको रिफ्रेश कर लेना है, या अगर सर्वर की वजह से ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है दोस्तों। जो भी टोकन नंबर था वो आपके मेल आईडी पर सेंड हो चुका है, उस मेल आईडी को आप री ओपन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश एक बार किन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सर्वर की वजह से ओपन नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं, टोकन नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी थी वो आप फिल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी फिल कर लेते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। चलिए हम यहाँ पे पहले ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। चलिए मैंने यहाँ फिल कर लिया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोटरसाइकिल्स कहाँ पर है। आपके जो भी मोटरसाइकिल शो हो रही है उस मोटरसाइकिल के एंगल में आप टिक मार्क करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका अगर सही निकलेगा तो आपको यहाँ पे वेरीफाई का लिखने नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम बाइसाइकिल पे सब जहाँ पर जहाँ बाइसाइकिल दिख रहा है उसको क्लिक करके उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पे आपको क्लिक करना है। अभी हमारा OTP वेरीफाई नहीं हुआ है दोस्तों। अगेन आपको क्या करना है, आधार नंबर फिल कर लेना है और OTP अपना रिसीव कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, आधार नंबर डालते हैं, सेंड OTP पे अगेन क्लिक कर लेते हैं।